हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसी केमिकल कंपनी से रिलेटेड जो कि कभी भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है कभी भी भाग सकती है आपको पता केमिकल के स्टॉक्स ऑलरेडी भाग रहे हैं वो भी केमिकल के स्टॉक बस पेंडिंग पड़े हुए हैं समझ लीजिए है कि आप

गिरते, गिरेगा या नहीं तो इससे रिलेटेड यहाँ पर बातें की गई है यहाँ पर इस वीडियो को जाके देखिए पर बाइंग सेलिंग की की रिकमेंडेशन नहीं, अपने एडवाइजर खुद स्टडी करनी है प्ले आपको कोई बटन कोई पैसे नहीं देने सिंपली वीडियो को देखना है लाइक करना है कमेंट करना है और शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी यहाँ पर फ्री में यहाँ पर एजुकेशन का फायदा उठा सके और आगे चल के बहुत पैसा यहाँ पर मार्केट से कमा सके क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मार्केट में बसी हुई है तो बेकार में बेकार के स्टॉक्स की जगह भागने से बेहतर है अच्छे स्टॉक

आर्थिक सर्फेक्टेंट की अगर मैं बात करूं देखिए स्मॉल कैप कंपनी है ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना होता है ऐसी कंपनीज में थाउजेंड एटी करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है करंट प्राइस की बात करें रहे चौदह सौ चौबीस रुपए के आसपास है आरओसी 13 थर्टीन और फिफ्टीन के आसपास है पी रेशो फिफ्टी का है और ये स्टॉक्स एटी का डेट भी रखता है कोई भी शेयर प्लेजिंग नहीं है कंपनी करती क्या है कंपनी ऐसे केमिकल्स बनाती है जो कि एग्रो ऑयल इंडस्ट्रीज में यहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं पर्सनल केयर जो आप ओरल केयर से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें यूज करते हैं उसमें वो केमिकल्स फूड से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसमें ये केमिकल्स बनाते हुए नजर आते हैं तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी और यहाँ पर आरती इंडस्ट्री का पार्ट था ये पहले यहाँ से ये डीमर्ज हुआ और जैसे डीमर्ज हुआ इस शेयर में एक अच्छी खासी रैली आई और शेयर अच्छा खासा यहाँ पर भागता हुआ नजर आया आज अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट में आपको दिखाऊंगा तो इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट

करोड़ की डेट यहाँ पर कंपनी के पास थोड़ा सा ज्यादा है वन थर्टी टू करोड़ रुपीज का डेट है बट कंपनी अपने आप को परफॉर्म करके दिखा रही है तो धीरे धीरे डेट भी निपट जाएगा परफॉर्मेंस होनी चाहिए डेट हो कोई परेशानी नहीं है बट कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करेगी तो डेट इजिली डिडक्ट यहाँ पर अगर बात करें रिड्यूस कर सकती है डेट फ्री हो सकती है वर्किंग प्रोग्रेस में बीस करोड़ रुपए है और अगर हम बात करें कैश फ्लो की तो सात करोड़ रुपए का इनके पास कैश फ्लो भी है जो भी पैसा आता है इनकी बुक में यहाँ पर दिखाई देता है और इसके अलावा हम बात करते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग

यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड कि एक दायरे में

कप बनाता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद यहाँ पर एक हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है तो अगर इस कप विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें कि कितने टारगेट हमें नजर आते हैं तो यहाँ पर से थोड़ा सा देख लेते हैं सॉरी uh, एक मिनट तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसके हिसाब से कितना टारगेट नजर आता है तो थर्टी का यहाँ पर इसे उठा के हमने यहाँ पर रख दिया तो हमें पता चलेगा लगभग लगभग दो हजार वही इक्कीस सौ के आसपास का यहाँ पर टारगेट नजर आता है जो कि हमने यहाँ पर अभी आपको बताया कि इस तरीके से ही भागता है एक बार ही में रिटर्न दे देता है तो इक्कीस सौ रुपए के यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं जो कि कितने परसेंट के यहाँ पर रिटर्न होते हैं तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये रिटर्न होते हैं लगभग छप्पन परसेंट के रिटर्न और एक साल भी लग गया ना छप्पन परसेंट के रिटर्न के लिए कोई बुरी बात नहीं है पहले ही टारगेट यहाँ पर ये यह है जो इसका अभी का एटीन हंड्रेड का था उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ये भी आना है तो यहाँ पर इस कंपनी की तरफ बने रही है, देखते रहिए यह कंपनी काफी बेहतरीन है अच्छे रिटर्न देती है थोड़ा सा पेशेंस का वेट कर, कर वेट करना पड़ेगा और थोड़ा नीचे आए तो बाय ऑन डिप्स करना मेरे पास ऑलरेडी होल्डिंग है यहाँ पर ये शेयर जब था तब भी आपको बताया था उसके बाद एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी दोबारा यहाँ पर मैं थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स करूंगा तो थोड़ा

रिजर्व देखिए यहाँ पर चौदह सौ तिहत्तर करोड़ के रिजर्व बोरेंगे यहाँ पर देखिए कम होती हुई नजर आई है इन आ, वर्किंग प्रोग्रेस में बयालीस करोड़ रुपए जब यहाँ पर एड होंगे तो सी बात है सेल्स यहाँ पर सब चीज चेंज होती हुई नजर आएगी और जो भी आर एस बात करें प्रोमोटर्स की होल्डिंग सिक्सटी फाइव पॉइंट फोर परसेंट की होल्डिंग है यहाँ पर एफ आई एस ने होल्डिंग बढ़ाई है डीआईस ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है और यहाँ पर पब्लिक ने थोड़ी सी बेची है तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी और पब्लिक आज ज्यादा होल्डिंग नहीं है छब्बीस में से देखिए बीस बाईस परसेंट की होल्डिंग यहाँ पर है मतलब चार साढ़े चार परसेंट की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है तो अनुपम रसायन एक बहुत बेहतरीन स्टॉक्स है कभी भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पर दे सकता है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड तो यहाँ पर अगर हम बात करें देखिए एक अच्छी खासी रेंज चार सौ सत्रह सतहत्तर रुपए से यहाँ पर अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई दिया

अः यहाँ पर इसने ये ये शोल्डर बनाया फिर उसके बाद ये शोल्डर बनाया इसके बाद यहाँ पर एक ये हेड बनाता हुआ नजर आ रहा है और थोड़ा सा यहाँ पर जा रहा है ऐसी चीजें जब निकलना शुरू करती है ना तो बेहतरीन निकलती है और बेहतरीन रिटर्न्स मुझे लगता है ये बहुत जल्दी आपको पन, एक साल के अंदर अंदर पंद्रह सौ रुपए के टारगेट यहाँ पर बनाता हुआ दिखाई देगा इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कितना यहाँ पर ये बनता हुआ नजर आता है तो यहाँ पर एक बार टारगेट देख लेते हैं तो यहाँ पर जो टारगेट नजर आते हैं ना ऐसी चीजों के सॉरी यहां से हमने लिया तो अच्छे खासे यहाँ पर भी टारगेट नजर आ रहे हैं और थोड़ा सा ये पेशेंस रखिए इस ऐसी कंपनी के साथ पेशेंस पेशेंस टेस्ट ते, ते, टेस्ट करती है कंपनियां और बेहतरीन रिटर्न्स अपने आप ही देके चली जाती है देखो नौ सौ रुपए के टारगेट नजर आ रहे हैं यहाँ पर भी अगर बात करें बीस बाईस परसेंट के जो कि आपको अगले क्वार्टर में यहाँ पर आ, मिलते हुए नजर आ जाएंगे तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए अच्छे आर एस आई पे अच्छे खासे यहाँ पर लेवल पर ये शेयर स्टॉक मिलते हुए नजर आ रहा है इसके अलावा हम एक और स्टॉक्स की बात करेंगे रोजरी बायोटेक रोजरी बायोटेक की अगर हम बात करें बहुत पहले भी बात करी थी वहां पर प्रॉफिट बुक किया था दो तीन दिन पहले भी मैं सोच रहा था यहाँ पर वीडियो बनाऊं बट उससे पहले ही यहाँ पर ये स्टॉक लगभग सौ रुपये चल चुका है मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है दोबारा यहाँ पर यहाँ पर, पर केमिकल से रिलेटेड ही कंपनी है डेट फ्री कंपनी है कोई प्राइजिंग नहीं है पी थोड़ा सा महंगा है आर ही अच्छा खासा है आर बेहतरीन है यहाँ पर सेल्स देखेंगे तो हाइस्ट एवर सेल्स आती हुई दिखाई दे रही है कंपनी की पिछले दो तीन क्वार्टर की नेट प्रॉफिट की बात करें वो हाइस्ट टाइवर आ रहे हैं पिछले चार क्वार्टर से नेट ईयरली बेसिस पर बात करें तो कंपनी की परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है

हिस्सेदारी खरीदी लगभग और थोड़ी सी हिस्सेदारी ना के बराबर ही जो पब्लिक के पास थी वो पब्लिक के पास ही है ऑलरेडी तो जितनी थी तो ऐसे में फिर दोबारा वही कॉन्फिडेंस आ जाता है और शेयर प्राइस उसी तरीके से भागता हुआ नजर आता है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए मुझे यहाँ पर एक छोटा सा कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर अगर हम देखते हैं कप विद हैंडल पैटर्न तो देखिये यहाँ पर एक शायद ये कप बना रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आके एक शोल्डर बनाएगा और यहाँ पर टारगेट दोबारा अगर बात करें तो अच्छा खासे लेवल पर ये शेयर दोबारा जाता हुआ नजर आएगा जो कि हम यहाँ पर देखते हैं सॉरी यहां पर देख लेते हैं एक बार तो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं

सौ के आसपास है और ये प्राइस ये स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर से नीचे टूटता हुआ नजर आया है इवन इफ यहाँ पर जो इसके रिजल्ट है वो काफी बेहतरीन है और ये इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाई है और काफी अगर बात करें केमिकल्स में ये लीडिंग है डेट की बात करें डेट फ्री कंपनी है कोई प्लाइजिंग नहीं है आर ओ सी आर ओ ही काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पर देखिए ईयरली रिजल्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे हाईएस्ट एवर सेल्स हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है कंसिस्टेंसी के साथ ईयरली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर हाईएस्ट एवर सेल्स और हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी रिजर्व्स की बात करें रिजर्व हाइस्ट एवर है और यहाँ पर बोरिंग ना के बराबर है वर्किंग प्रोग्रेस में पचपन करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट टू एटी नाइन करोड़ का कर रखा है सात करोड़ का कैश भी है जो बुक में दिखाई देता है इनकी जो

महीने से एक कह सकते हैं कि ये ये एक साइड जोन में ही शेयर पर चलता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि ये देखिए ये शेयर बहुत जल्दी यहाँ पर भागता हुआ दिखाई देगा तो थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस टेस्ट कर रहा है अदरवाइज यहाँ पर ये शेयर इसी तरीके से भागता हुआ दिखाई देता है देखिए यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया फिर भागा फिर भागते हुए एक साथ फिर यहाँ पर थोड़ा सा गिरा फिर भागा यहाँ पर फिर दोबारा गिरता हुआ नजर आया तो बीस परसेंट के रिटर्न तो देखिए यहाँ पर माने ही बट एक बार भागना शुरू करेगा तो इसे भी यहाँ पर क्रॉस करता हुआ नजर आएगा तो ये ऐसे ही करता है ये शेयर देखिए यहाँ पर यहाँ पर भागा फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा गिरा फिर यहाँ पर थोड़ा भागा फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस था फिर भागा फिर गिरा फिर भागा फिर गिरा फिर भागा और तब है जब इसके फाइनेंशियल्स एंड ऑल सब कुछ बेहतरीन है तो यहाँ पर बीस तो ये है प्लस में और भी और भी शेयर ये भाग भाग इसके बाद एक बार जो भागना शुरू करेगा और भागता हुआ नजर आएगा थोड़ा सा वेट करिए ये तीन पर, बीस परसेंट के रिटर्न तीन महीने के अंदर अंदर यहाँ पर आ जाना चाहिए इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और कंपनी से रिलेटेड बात करूंगा ऑलरेडी यहाँ पर काफी बार यहाँ पर चर्चाएं करी है जैसे फाइन और ये जैसे केमिकल से रिलेटेड फूड प्लास्टिक कॉस्मेटिक इनसे रिलेटेड ये कंपनी दोबारा यहाँ पर बात करें केमिकल्स बनाती हुई नजर आती है बारह के लगभग का डाटा कोई शेयर प्राइस नहीं है सिक्सटी का पी है आर किस तरह के आसपास है और यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है अगेन यही क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें हाइएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स है नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी हाइएस्ट एवर ही यहाँ पर हाइएस्ट एवर तो नहीं है इससे पहले भी थी बट यहाँ पर एक्सपेंस ज्यादा हुए हैं जिस वजह से थोड़ा सा कम आया बट अगर बात करें पिछले कुछ पांच छह क्वार्टर की तो हाइस्ट एवर ही यहाँ पर रिजल्ट प्रॉफिट है सेल्स बात करें कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर ग्रोथ है और ऐसी कंपनी जो कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देती है लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा बना के देती है थोड़ा बहुत टाइम के लिए साइड बेस्ट जोन में चल सक जा सकती है बट जब भागना शुरू करती है तो यही कंपनी देखें यहां पर कब कितने रुपए की थी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं दो तीन साल ही हुए इस कंपनी को तो 2018 में आठ रुपए की कंपनी थी और ये बत्तीस सौ रुपए पैंतीस सौ के लेवल से आ, आती हुई दिखाई दी है यहाँ पर बात करते हैं और कुछ चीरो की रिजर्व्स 716 करोड़ के बॉरिंग कम होती हुई दिखाई दे रही है 89 करोड़ की वर्किंग प्रोग्रेस में 26 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट इक्कीस करोड़ रुपए कैश भी अच्छा खासा है इनके पास सेवेंटी के शेयर देखिए एक प्रोमोटर्स के पास है एफ ने होल्डिंग बढ़ाई है डी ने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है पब्लिक ने यहाँ पर उठा ली है वो होल्डिंग और छह सात परसेंट की हिस्सेदारी की यहाँ पर नजर आती है पब्लिक के पास और

तो लगभग 25 परसेंट के आसपास टूट चुका है और कभी भी अच्छी कंपनी 25 परसेंट के आसपास टूट जाए आर ओ सी आर एस आई उसके अच्छे खासा दिखाई दे रहा हो और यहाँ पर 200 हंड्रेड डीएमए के आसपास चल रही हो तो ऐसी कंपनी को उठा लेना चाहिए हमेशा याद रखिएगा तो यहाँ पर ये यह पांच कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक विनाती रोजरी अनुपम और आरती सरफेक्टेंट ये सारी बेहतरीन कंपनी है इनकी तरफ नजरें बनाइए बाई ऑन डिप्स करके यहाँ पर स्टॉक्स को बाय करे बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा